के देखिए सबसे सेकेंड हैंड आईफोन। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज था शनिवार और शनिवार को आज कोई भी ड्यूटी नहीं आया। शनिवार को वो मैडम हॉस्पिटल नहीं जाती है, मदरसे वाली मैडम मदरसे नहीं जाती है, तो कोई ड्यूटी नहीं रहा था। दिन भर मैं रूम में ही सोया हुआ था, पड़ा हुआ था। तो मैं वीडियो सुबह से स्टार्ट नहीं किया था। अभी शाम हो रहा है और शाम हो रहा है तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा था कि कल मैडम सामान वगैरह लेके आई थी तो उसमें से मैं एक अमरूद निकाल लिया था। तो चलो वही अमरूद खा के नाश्ता करने चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी इंडिया से आए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया और 1.5 साल से अमरूद वगैरह तो इधर खाया नहीं हूँ मैं। और इंडिया में भी एक ही दो ही बार खाया था मैं, बाकी 7 साल में तो उतना ज़्यादा खाता नहीं। इंडिया में रहते हैं तो हाँ भाई, कोई भी बेचने आ जाता था ठेली पे तो खरीद के खा लेते थे। बाकी आज ट्राई करते हैं सऊदी का अमरूद कैसा लगता है और कैसा रहता है, तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखो ये है अमरूद, एक उठा लिया था मैं मैडम के में से। बाकी ये काला नमक, इसके अंदर काला नमक रख रखा है मैंने, अभी काट लेता हूँ और काला नमक डाल के खाएंगे। तो चलो दोस्तों मैं नाश्ता करने बैठा हूँ, आप लोग भी नाश्ता करना। तो ये अमरूद काट लिया मैंने, यहाँ का अमरूद ट्राई करते हैं। आज पहली बार खा रहा हूँ मैं, 7 साल में पहली बार सऊदी में खा रहा हूँ अमरूद यहाँ का। सालों बाद अमरूद खा रहा हूँ मैं, 6-7 साल में कहीं एक बार मैं खाया होगा जब इंडिया गया था। तो बाकी तो इधर ये सब कहाँ मिलता है इतना कि खरीद के खाया जाए। मस्त लग रहा है, पका हुआ है। वैसे बचपन में तो मुझे वो कच्चा वाला अच्छा लगता था, हरा वाला। हेलो, तो दोस्तों अभी 7:45 हो रहा है और अभी कफिल फोन करके आया है घर पे, पता नहीं क्या काम है, चलो चल के देखते हैं। तो आ गया मैं इधर कफिल के घर पे, देखो क्या काम है। तो कफिल अभी बाहर आया था, ये आईफोन दिया, देखो ये आईफोन है। देखो ये आईफोन है, देख रहे हो, इसी को ले जाके एक लोकेशन दिया है, वो लोकेशन पे देना है। चलो चलते हैं। सही है, नौकरानी का भी वो बैटरी वहीं से ले लेंगे। अगर कोई दुकान वगैरह होगा तो, अब पता नहीं दुकान है कि कोई घर है मालूम नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद पता चलेगा। तो चलो मैं वहीं पे पहुँचने के बाद मिलता हूँ। तो पहुँच गया मैं इधर, ये मोबाइल का दुकान ही है, चलो ये ले जाके दे देते हैं आईफोन। बात कराना पड़ेगा कफिल से। तो दोस्तों ये फ़ोन देना नहीं है यहाँ पे, ये नया फ़ोन ख़रीदा है कफिल, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो इसके ऊपर टेम्पल ग्लास लगाना है, कवर लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे भेजा था। तो यहाँ पे नहीं है वो वाला जो लगवाना चाह रहा है, तो अभी दूसरा लोकेशन भेजेंगे तो अभी वहाँ जाऊँगा मैं, देखते हैं। तो दोस्तों अभी दूसरा लोकेशन भेज दिए हैं तो चलो वहाँ चलते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये लोकेशन मुझे यहाँ पहुँचाया है, ये मोबाइल मार्केट में, तो देखते हैं इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों गाड़ी में यहाँ पर खड़ा किया हूँ और ये वाला है, और मैं फ़ोटो भेज रहा था उधर का तो बोली नो, फिर यहाँ पे भेजा मैं, वो फ़ोटो भेजी तो मैं यहाँ का भेजा, तो ये तो बंद है अभी, हो सकता है अजान हुआ इसीलिए। तो अभी वो लोग बोले हैं यहीं पे रुकने के लिए, जब खुलेगा तो बात कराना पड़ेगा कफिल से। तो आधा घंटा से इधर बैठा हूँ मैं, 8:47 हो रहा है
अभी भी कोई भी दुकान नहीं खुला, ये बाकी सब खुल गए हैं उधर के। एक काम करता हूँ, उधर जाके नौकरानी का बैटरी ले लेता हूँ मैं, और बाकी ये खुलेगा तो देखा जाएगा। पहले इसमें पूछ लेता हूँ इन दोनों में। तो इधर आया हूँ, इधर है बैटरी, बाकी देखिए सब सेकंड हैंड आईफोन। पूरा मार्केट में पूछ लिया मैं, मगर ये बैटरी कहीं नहीं मिल रहा। देखो इसमें देखते हैं, तो ये मिला तो है एक 50 रियाल का बोल रहे हैं, पता नहीं 50 रियाल में लेगी कि नहीं लेगी, पहले पूछ लूँगा फिर लाऊंगा। तो यहाँ पे है 50 रियाल बोले थे, लास्ट 40 रियाल का बता रहे हैं। अब पता नहीं नौकरानी को ले जाकर दूँ 40 रियाल में, वो बोलेगी नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, पहले पूछ लूँगा मैं, फिर कल परसों आके यहाँ से लेके चला जाऊँगा, नहीं तो फिर मार्केट से। मार्केट में थोड़ा अपना चल जाएगा, उधर हिंदी वंदी बोल लेते हैं, यहाँ पे तो सऊदी लोग हैं, जो बोलेंगे वही चाहिए। ये सारा दुकान खुल गया मगर वो अभी तक नहीं खुला, अब पता नहीं खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, कौन से जन्म में खुलेगा। 9:05 हो गया। तो अभी एक बंदा बताया कि वो वाला दुकान यहाँ पे आ गया है, ये वही है सेम ही है, तो वो नहीं खुलने वाला, वो ऐसे ही रहेगा। तो चलो आईफोन लेके आते हैं इस दुकान में, बात करा देते हैं कपिल से। तो दोस्तों पूरा कॉम्बो था, आगे का टेम्पर ग्लास, कैमरे का ग्लास, बाकी पीछे पन्नी, बाकी लास्ट में कवर, ये सब टोटल मिला के 139 रियाल का आया है हेलमेट कंपनी का। ये वाला दुकान उधर चला गया, बाकी अभी रात का टाइम हो रहा है 9:47, 10 बजे नहीं वाला है। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जाऊँगा रूम पे, चावल बनाऊँगा, फिर खाना खाने बैठूँगा एक कफिल के आईफोन के वजह से। हम तो अपना शौक पूरा कर पाते नहीं हैं, कफिल करते रहते हैं। बाकी वो नौकरानी का बैटरी 40 रियाल का मिल रहा था, मैं नौकरानी से पूछ लूँगा, नहीं तो फिर मैं जाऊं 40 रियाल का लेके और फिर वो नखरे करने लगे कि नहीं इतना का नहीं लेना था, तो ये वापस कर दो वो कर दो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और यहाँ से लेके उधर आखिरी तक मैं सब पूछा था, पता चल गया ना कि किस दुकान में मिल जाएगा, नौकरानी हाँ बोलेगी, तो इधर ही से आता जाता रहता हूँ मैं हमेशा, आके 2 मिनट लगेगा ख़रीदने में। बाकी चलो चलते हैं कफिल के घर पर। तो मैं वीडियो बना रहा था तो बोला वीडियो मत बनाओ, इसीलिए छुप के बिना बोले थोड़ा सा मैं वीडियो बना लिया था, बाकी में नहीं बना पाया था, पीछे का जब लगा था, कैमरे का जब लगा था,
9:56 हो रहा है, मैं इधर पहुंच गया कपिल के घर पे। चलो उसका आईफोन दे देते हैं, उसकी वजह से हम भी आईफोन छू लिए आज। तो 10:04 हो रहा है, मैंने दे दिया उसका मोबाइल, कपिल का मोबाइल। बाकी नौकरानी बोल रही है मेरा ला देना 40 रियाल का, मुश्किल नहीं है, तो कल उधर जाऊंगा तो ला दूंगा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ रूम पे, अब जाऊंगा चावल बनाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर देखेंगे। तो ये चावल बना लिया मैं, बाकी ये इतना पोटा गर्म होने के लिए रख दिया मैं। तो दोस्तों ये खाना निकाल लिया मैं, अभी मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप लोग भी आप बिस्मिल्लाह करो। तो चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलता है अगले वीडियो में। पानी रख लिया था मैं फ्रिज में, अब पानी रखना शुरू कर दिया हूँ मैं, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये दो ही अपना बोतल है, इसमें पानी है उसमें है, बाकी एक बोतल निकाला हूँ। तो अब फ्रिज का पानी पीना चालू कर दिया हूँ मैं।